प्रतीक सेजपाल को पता चल गया है, लगता है कि तेजस्वी प्रकाश काफी आगे निकल चुकी हैं। तभी तो अब प्रतीक सेजपाल का टारगेट जो है वो बन गई हैं तेजस्वी प्रकाश। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट या दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नन अदर देन मिस्टर प्रतीक सेजपाल की और प्रतीक सेजपाल के इस बड़े काम की। वो कॉकटेल पता है ना, वो जो पीते हैं मस्त एकदम कॉकटेल, तो यहाँ पर सनी लियोनी आती हैं, वो अपने नए गाने को प्रमोट करने के लिए आती हैं और उसी गाने के प्रमोशन के दौरान प्रतीक सहजपाल को एक मौका मिलता है कुछ बात बोलने का, जिसपे प्रतीक सहजपाल बोलता है कि मुझे तेजस्वी के फ्रेंड से डिसाइडेड नहीं है, दिन में कोई और होता है, रात को कोई और होता है, मतलब किसके फ्रेंड से फ्रेंडशिप है किसके साथ। OMG, तो यहाँ पर बेसिकली देवोलीना जब से तेजस्वी प्रकाश के करीब आई है, अच्छी दोस्त बन गई है, उनके सुख दुख में उनके साथ रहती हैं, तब से प्रतीक जो है थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा है ऐसा लग रहा है। जिसपे बोलती है साफ साफ तेजस्वी, क्यों आपको जलन हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है देवोलीना को लेकर। तो प्रतीक का मुंह यहाँ पे ऐसा रह जाता है और प्रतीक फिर उसके बाद जो वो होता है क्या कहते हैं कॉकटेल होता है ऐसा करके हाथ में करके यू फेंक देता है। सो दोस्तों ये मुद्दा अभी हुआ है घर पे और ये सनी लियोनी के सामने हुआ है। यहाँ पर रश्मि देसाई के ऊपर जो है रितेश ने फेंका है कि इसे प्रॉब्लम हो जाती है मेरे और राखी के रिश्ते को लेकर। यस, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो दर्शकों आपको क्या है कहना, पूल पार्टी का समय है, सनी लियोनी आई है तो धमाल तो होगा ही। कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूस। मुझे इजाजत दीजिए यारो, मैं चलता हूं और आप लोगों के लिए इसी तरीके की चटपटी मसालेदार वीडियोस लेकर आता हूं। बाय बाय।